और अब अपने ये पकौड़े बन के रेडी है, रेडी टू सर्व। हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे मेथी के गोटे, जिसके लिए मैंने मेथी लेके साफ कर ली है और इसको धो के इसको बारीक काट लेते हैं। मेथी का गोटा बनाने के लिए ये मेथी को मैंने अच्छे से धो के बारीक काट लिया है, और ये इस तरह से लगभग 150 ग्राम के करीब मेथी है। और इसके अंदर जाएगा अदरक और मिर्ची का क्रश किया हुआ पेस्ट। आप चाहें तो हरी मिर्च बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और ये साबुत धनिया, सौंफ और काली मिर्च का दरदरा कुटा पेस्ट है। हाफ टी स्पून अजवाइन है, ये हाफ टी स्पून हींग है, हींग थोड़ी ज़्यादा डाली है, ये एक टेबल स्पून चीनी है, चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं या तो स्कीप भी कर सकते हैं। और नींबू डालेंगे सोडा को एक्टिवेट करने के लिए। हरी धनिया जाएगा, और ये है बेसन और नमक स्वादानुसार। और ये मिर्ची पकौड़े के साथ खाने के लिए तली जाएगी, ये इंग्रेडिएंट है। अब अपने ये बैटर बनाने के लिए ये मेथी ले ली है, इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च, अदरक का क्रश किया हुआ पेस्ट, साबुत धनिया, सौंफ, काली मिर्च और अजवाइन, ये गया। इसके बाद डालेंगे ये हींग, इसके बाद डालेंगे ये चीनी और नमक डालेंगे स्वादानुसार। तो ये गया थोड़ा नमक और थोड़ा धनिया भी ले लेंगे, ये डाला अच्छा खासा धनिया। और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे बेसन, मैंने डाला है लगभग 300 ग्राम के करीब बेसन। और अब पहले तो बैटर को ऐसे ड्राई मिक्स करते हैं। अब अपने ये बैटर में थोड़ा थोड़ा पानी करके बैटर को मिक्स करेंगे, इसमें एकदम से पानी नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लेके मिक्स करते जाएंगे। ये जब भी मेथी के गोटे बनाने हो तो जब आपको उतारने हो जस्ट तभी बैटर तैयार करें, क्योंकि पहले से ही बैटर तैयार कर देने से ये आटा चिकना हो जाता है और ये अपने जो गोटे या पकोड़े हैं फूलेंगे नहीं, सॉफ्ट भी नहीं बनेंगे और फूलेंगे भी नहीं। तो ये जब अपने को बनाने हो उसी टाइम इसको बैटर को रेडी करना है पानी डाल के। तो इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और अभी अपने को जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी मिली नहीं है। ये अब अपना बैटर देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है। और अब अपने इसके अंदर ये पहले डाल देते हैं सोडा, सोडा बाइकार्ब या मीठा सोडा, और ये इसके ऊपर ये नींबू डालते हैं ताकि ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। और अब इसको अच्छे से पहले कर देते हैं मिक्स, और इसके अंदर ये थोड़ा सा गरम तेल डालेंगे ताकि अपने पकोड़े गोटा बढ़िया सा सॉफ्ट बने। ये गरम तेल, और अब ये बैटर को अच्छे से कर देते हैं मिक्स, और फिर इसके गोटे उतारते हैं। तेल गरम होने के लिए रखा है, थोड़ा चेक करते हैं। ये देखिए थोड़ा बस इसी तरह से, इसमें भी मीडियम गरम ही चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज गरम नहीं, नहीं तो अपने पकोड़े डालते ही जल जाएंगे। बस इस तरह से पकोड़े इसमें गोटा रखते जाएंगे, तेल मीडियम गरम होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। और आपको जिस साइज के चाहिए उस साइज के आप पकोड़े डाल सकते हैं, पर ज्यादा बड़े नहीं, नहीं तो वो अंदर से रह जाते हैं कच्चे, और जब आप उसको प्रॉपर कुक करने की कोशिश करोगे तो बाहर से हो जाएंगे लाल और कड़क। और ये कढ़ाई के अंदर जितने भी पकोड़े समाएंगे उतने डाल देते हैं,
और अभी इसको अपने आप ही पहले तो ऊपर आने देंगे पकोड़ों को, उसके बाद इसके अंदर छारा मारेंगे। अब अपने पकोड़े को थोड़ा सा जगह से हिलाते हैं। वही देखिए, अभी मीडियम आंच पे इसको होने देते हैं। ये देखिए, अब अपने गोटे बढ़िया से फ्राई हो गए हैं और अब अपने इसको निकाल लेते हैं। देखिए, अब अपने गोटे पे अंदर डालते जाएंगे। अब इसी तरह सारे गोटे रखते जाएंगे। सारे गोटे डाल दिए, इसको थोड़ा सा चला के अलग पलट कर लेते हैं ताकि सब साइड से बढ़िया से तल जाए। और इसको मीडियम आंच पे ही होने देते हैं। एक बैच होते हुए 3-4 मिनट लगता है। अब अपने ये पकौड़े हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। और ये देखिए, सारे पकोड़े तल के रेडी हो गए हैं। अब अपने थोड़े ये बैटर वाली चिली भी कर लेंगे। बैटर वाली चिली खाने का एक तरह से मिर्ची मिर्ची भी मिर्ची बन के रेडी होती है। तो ये ज़्यादा तीखी नहीं है, तो ये पकोड़े के साथ साथ आप ऐसे भी खा सकते हैं। एकदम बढ़िया सी कम तीखी। तो इस तरह से पहले तो मैं थोड़ा मिर्ची भज्जी निकाल लूंगी, उसके बाद इसके अंदर थोड़े प्लेन ऐसे ही मिर्ची निकाल लेंगे। इसको भी होने देते हैं। और चला लेते हैं, इसको ज्यादा तो कुछ होना है नहीं। ऊपर बैटर हल्का सा ही लगा है, तो बस उसी को पकाना है। ये देखिए, अब अपना ये हो गया। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। और ये सारी मिर्ची निकाल लेते हैं तेल को अच्छे से निचोड़ के। और अब अपने मिर्ची को ऐसे रख के बस तेल में 3-4 बार डिप करके, बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। और ये अपनी मिर्ची तल के रेडी हो गई है। हमने ये सारे मिर्ची के गोटे, मिर्ची भज्जी, फ्राइड चिली तल के रेडी है, रेडी टू सर्व। और अब अपने सारे मिर्ची के गोटे, मिर्ची भज्जी फ्राइड होके रेडी है, जिसको मैं सर्व करूँगी पपीते के संभारे के साथ। साथ में है प्याज और ये कढ़ी चटनी। तो ये इस तरह से ये मेरा बढ़िया सा गोटा चटनी का कॉम्बो बनके रेडी है, रेडी टू शॉर। हेलो फ्रेंड्स, आज संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट में बनाया है मैंने बढ़िया सा मेथी का गोटा, क्योंकि विंटर सीजन शुरू हो गई है तो अब मेथी का गोटा फ्रिक्वेंटली बनता रहेगा। ये है मिर्ची भज्जी, साथ में है फ्राइड चिली, प्याज है, ये कच्चे पपीते का कचुम्बर या संभारो, दो तरह के हैं। तो ये तीखा है और ये तीखा मीठा है। और साथ में है ये कढ़ी चटनी, जो
गोटा के साथ खाई जाती है, गोटा, फाफड़ा, खमण। तो इस तरह से ये मेरा संडे स्पेशल यम्मी ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गया है। सारी आइटम्स होममेड हैं, तो एंजॉय करते हैं बढ़िया से अपने गर्मा गर्म गोटा और ये कच्चे पपीते का संभारो, गुड फॉर हेल्थ। तो आप फ्राइड खा रहे हैं तो प्याज और पपीता का कचुंबर खा ले, बैलेंस हो जाएगा। बस एंजॉय करते हैं। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।